नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरा आप लोगों से एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी टाउनशिप को सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा बेहतरीन बनाती है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज हम कोटा में आए हुए हैं, और आप मुझे तो जानते ही हैं, मेरा नाम है भगत सिंह और कमलेश चौधरी। मेरे रहना नंबर आपको नीचे दिख रहे होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि हम कोटा, अजमेर, जयपुर, मुंबई और भिवाड़ी, इन पांच पांच लोकेशंस के ऊपर गेटेड टाउनशिप्स लॉन्च करते हैं। आज दोस्तों, कोटा की जिस टाउनशिप के ऊपर मैं खड़ा हूँ वो बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत टाउनशिप है। इस टाउनशिप का एक छोटा सा टूर मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूँ। मैंने 2 से 3 महीने पहले एक बहुत ही बढ़िया टूर इसका करवाया था, जो आपको मेरे बैकग्राउंड में थंबनेल दिख रहा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि पहले इस टाउनशिप के अंदर कितना डेवलपमेंट था और आज इस टाउनशिप के अंदर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। देखिए दोस्तों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो जहाँ पर रह रहा है उसके घर के पास में ही एक अच्छा सा भव्य और खूबसूरत सा मंदिर हो। तो इस टाउनशिप में अपन बहुत ही भव्य एंड बहुत ही खूबसूरत मंदिर अपन बना के दे रहे हैं आप लोगों को, और इसके अंदर अभी आपको मैं व्यू दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत और इतना मनमोहक व्यू है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान इसी वीडियो के ऊपर रहेगा। देखिए दोस्तों, हे भगवान, इस टाउनशिप में जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी ले, हमेशा उसका कल्याण हो, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, एवं वो इस टाउनशिप में जब भी प्रॉपर्टी ले उसके दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहे। दोस्तों, इस मंदिर को देखिए आप, यहाँ पर अपने प्यारे भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी एंड माँ सीता यहाँ पर विराजमान है साक्षात, साथ में ही अपने शिव जी एंड पार्वती माँ वहाँ पर विराजमान है। साथ ही हम बात करें दोस्तों अपने बहुत ही प्यारे और धन के धनी गणेश जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, और मैं आगे बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर विराजमान है अपने श्री कृष्ण जी एंड राधा माँ, और यहाँ पर विराजमान है माँ दुर्गा। दोस्तों, मंदिर काफी भव्य है, और इस मंदिर में आने के बाद में एक पॉजिटिव सी वाइब आपको फील होगी। आप इस टाउनशिप में प्लॉट ले या ना ले, लेकिन दोस्तों मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार आप इस टाउनशिप में विजिट जरूर करें, क्योंकि जब आप विजिट करेंगे तब आपको साक्षात एक ऐसे शक्ति का एहसास होगा जो आज दिन तक कभी हुआ ही नहीं है। दोस्तों, मंदिर के बगल में ही अपन यहाँ पर बना के दे रहे हैं एक बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही बढ़िया साइज के अंदर कम्युनिटी हॉल, जिसके अंदर आप बर्थडे पार्टीज, शादी समारोह है, किट्टी पार्टीज, आप कोई भी समारोह इसके अंदर आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। चार्जेस हैं जो दोस्तों, वो है इसकी साफ सफाई के, उसके अलावा कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे इसके। और ये पूरी टाउनशिप दोस्तों अपनी 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री है, तो मेंटेनेंस की आपको चिंता करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद में भी आपको दोस्तों यहाँ पर मेंटेनेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पर प्लॉट के हिसाब से 1 लाख रुपए कोर फंड में रिलीज करते हैं। उनसे जो अपने पास रिटर्न आता है उसके माध्यम से इस कॉलोनी की पूरी देखरेख और जहाँ के गार्ड से उनकी सैलरी देखी जाती है। तो अभी हम चलेंगे सीधा इसके कम्युनिटी हॉल के अंदर। कम्युनिटी हॉल दोस्तों काफी बड़ा है, काफी ह्यूज साइज के अंदर है, और यहाँ पर आपको मेरी वॉइस जो है वो इको होती हुई मिलेगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा धीरे बोलूंगा। इसके अंदर आप खुद देखिए इसके साइज, एक बार इसकी साइज दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया इसकी साइज है दोस्तों, बहुत ही शानदार साइज के अंदर बना हुआ है। साथ में देखिए इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है। इस साइड में आपको एक गेट दिख रहा होगा दोस्तों, नजदीक आ जाइए दोस्तों, इस साइड में आपको एक गेट दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक रूम दिखेगा, और जो अपना बैक साइड का एरिया है वो अपन इधर से एक्सेस कर सकते हैं। अभी बाहर से ये लॉक है, आप खिड़की के माध्यम से देख सकते हैं, जो अपना बैक साइड का एरिया है इधर से एक्सेस कर सकते हैं। अपना ये एक रूम रहने वाला है यहाँ पर, और जो इसका सेकेंड रूम दोस्तों उसके बाहर के साइड में है, वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। अब आप पार्क गिनना, इस टाउनशिप में हम लोग कितने सारे पार्क दे रहे हैं। पहला पार्क तो ये है, ये तकरीबन
2500 स्क्वायर यार्ड के आसपास का पार्क है, यानी कि एक बीघा से 500 स्क्वायर यार्ड ही कम है इसके अंदर। दोस्तों आपको सामने की तरफ प्रतिमा दिख रही होगी दिगंबर जैन जी की, और ये जो प्रतिमा है वो 1008 श्री मुनि 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान जी की है, जिनका यहाँ पर बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जाएगा। अब ये मंदिर बनेगा कहाँ, इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहोगे तब तो आप लोग देख पाओगे, और आप स्किप कर करके देख रहे हो तो आप उस मंदिर को मिस कर दोगे। दोस्तों ये जो रोड आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ, ये अपनी टाउनशिप की मेन रोड है और ये 40 फीट की रोड है। बाकी इस टाउनशिप के अंदर सारी आपको 30-30 फीट की रोड देखने को मिलेगी, और ये टाउनशिप UIT एंड रेरा से ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और यहाँ पर पानी बिजली सीवरेज तीनों चीज अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलने वाली है आपको, और भी अनेकों सुविधाएं हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा। और अब चलेंगे अपन किड्स प्ले एरिया के अंदर, यानी कि अपन चलेंगे सेकंड गार्डन के अंदर। आ जाइए दोस्तों, अब आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे इसका सेकंड गार्डन, जहाँ पर आपको मिलने वाला किड्स प्ले एरिया हर परिवार के अंदर। दोस्तों आज के समय में बच्चे होते होते हैं। हाय, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा और बच्चों को खेलने के लिए एक सेपरेट एरिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो अपन यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए एक सेपरेट एरिया यहाँ पर अपन ने बनाया है, जिसको अपन किड्स प्ले एरिया बोलते हैं। एंड आ जाइए इसके अंदर क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं। दोस्तों ये जो आप पीली पीली देख रहे हो ना, इसको फिसल पट्टी बोलते हैं। हम बचपन में इस फिसल पट्टी के ऊपर बहुत फिसला करते थे और हमें बहुत मजा आता था। और साइड के अंदर कुछ ऐसे थोड़ा सा, ये दूसरा एक फिसल पट्टी टाइप है, ये अभी चली है, हमारे जमाने में नहीं थी। अपन थोड़ा सा दोस्तों इस टाउनशिप में आगे चलेंगे तो यहाँ पर अपने को मिलने वाला एक ओपन मंच, जहाँ पर आप दैनिक जीवन के अंदर अपने मित्रों के साथ अपने साथियों के साथ बैठकर वार्तालाप कर सकते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पर अपने को लाइट्स भी दी गई है, जो कि रात के अंदर काफी अच्छी रोशनी करेगी, और आप रात में इसके ऊपर चलोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब चलेंगे सीधा थोड़ा सा आगे की तरफ और अपन बात करेंगे इस टाउनशिप के ओपन एरिया की, यानी तीसरे पार्क की, यानी ओपन जिम एरिया की, यानी कि तीसरे पार्क की। तो आ जाओ सीधा चलते हैं। तीसरा पार्क दिखाने से पहले सर एक बार ये जरूर आप हमारे व्यूवर्स को दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ में हमने ये परगोला सिटिंग एरिया बनाया है, और बहुत ही खूबसूरत ये एरिया है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर अपने साथियों के साथ में अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छी वार्तालाप कर सकते हैं, आप शाम और सुबह का आनंद और लुत्फ उठा सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो अपने जिम का इक्विपमेंट है वो, और इसको चलाते कैसे ही है मेरे को नहीं पता, कैसे चलाते इसको। अरे यार दोस्तों ये हो गया अपना जिम का इक्विपमेंट, और यहाँ पर आप लेग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और देखिए लेग एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं, जो जिम करते हैं उनको जरूर पता होगा। और अभी अपन चलते हैं दोस्तों दूसरी जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर, और यहाँ पर आप शायद फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हवा में यहाँ पर चल रहा हूँ अभी प्रेजेंट के अंदर। और उसके बाद में देखो दोस्तों, आपको अगर साइड वाली विंग्स निकालनी है तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसको पता नहीं बोलते तो क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको ऐसे चलाया करते हैं, और बहुत ही ईजी है अभी इसको चलाने में। अभी क्या दोस्तों, मैंने जिम छोड़ रखी है इसलिए ज़्यादा चला नहीं पाता हूँ। और ये कुछ यहाँ पर अपने को कुछ अच्छा और कुछ अलग सा दिखाया गया है। अभी है किस काम का ये मुझे पता नहीं है। हाँ तो अच्छा, शोल्डर्स को मजबूत करने के लिए ये एक एक्टिविटी है एक प्रकार से देखी जाए तो उस चीज़ के लिए इसको डेवलप किया गया है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। वैसे बचपन में हम ऐसी चीज़ों के पहिए बना के चलाया करते थे, क्योंकि हमारे पास खेलने के लिए सिर्फ ये एक ही चीज़ हुआ करती थी। ओके तो इसके अंदर आपको पार्क के अंदर ये जो आप सामने की तरफ वो देख रहे हैं वो सेल्फी पॉइंट्स है, एंड इसके नीचे आपको पार्क बेंचेस दिख रही होंगी जो अपन दे रहे हैं। ओपन जिम एरिया जिसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था, और उसके बाद में स्ट्रीट लाइट्स में आपको बताना भूल गया, ये देखिए इस साइड में आपको स्ट्रीट लाइट्स मिलेगी, और इनका लाइफ टाइम में कभी भी आपके घर पे बिजली का बिल नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग कॉमन एरिया के लिए इस टाउनशिप के अंदर सोलर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड दूसरी बात, यहाँ पर योगा जोन आपको देखने को मिलेगा, जो वहां पर वो मैंने बताया था, जिसको ओपन डिस्कशन जोन भी अपन कह सकते हैं एक प्रकार से। और देखो पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, तो अपन यहाँ पर बनाए हैं एक वाटर टंकी,
वाटर टंकी है ये 2.5 लाख लीटर की है। इस टंकी को भरने के लिए दोस्तों अपने बना रखे इस टाउनशिप के अंदर 2 बोरवेल। तो अगर किसी कंडीशन के अंदर एक बोरवेल अपना खराब भी हो जाए तो उस कंडीशन में अपन दूसरा बोरवेल यूज कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए हमारी जो सर्विसेज है वो इतनी फास्ट है, अगर कोई बोरवेल यहाँ पर खराब होता है तो उसको विद इन 24 आवर्स के अंदर हम लोग सही करवा के देंगे आप लोगों को, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है 5 साल तक। अब आप इस साइड देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत घर बना रहे हैं जो कि हमारे क्लाइंट हैं, वो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत घर बना रहे हैं इस टाउनशिप के अंदर। और ये ऐसा एक घर नहीं बन रहा दोस्तों, इस टाउनशिप के अंदर आपको पीछे की तरफ और भी पिलर्स दिख रहे होंगे, वहां पर भी दोस्तों ये घर का काम स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर जिन लोगों ने प्लॉट परचेस किए थे। और अभी दोस्तों इस टाउनशिप के अंदर बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल है, अगर आप भी चाहते हैं इतनी खूबसूरत टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेना तो नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, आप तुरंत मुझे फोन मिलाइए और विजिट कीजिए। अगर विजिट भी नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन इस टाउनशिप की विजिट करवा दी जाएगी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस टाउनशिप का चौथा या फिर ये कहूँ कि ये 5वां पार्क इस टाउनशिप का होने वाला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जो सेल्फी पॉइंट्स की जो मैं बात कर रहा था वो इसी पार्क के अंदर है, तो चलिए इसका अंदर से व्यू दिखाते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों यह है इस पार्क का एंट्री गेट और अभी अपन चल रहे हैं सीधा इसके, इसको बोलते हैं हम लोग गजीबो, और ये गजीबो ही है दोस्तों। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, शाम और सुबह का समय बिता सकते हैं, दोपहर का समय आप यहाँ पर बिता सकते हैं। और इसके अंदर देखो दोस्तों अपने के लिए जॉगिंग के लिए ट्रैक्स भी बनाकर दिए गए हैं, जो पूरी की पूरी इसी पार्क के अंदर, जो इस पार्क की बाउंड्री उसके चारों ओर फैले हुए हैं और काफी मतलब की 5 फीट के यहाँ पर अपने को जॉगिंग ट्रैक्स बना के दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर अपन बैठ के अपन सोशल मीडिया के ऊपर सेल्फीज भी पोस्ट कर सकते हैं, और जो पीछे का लुक है दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो आप जब भी आए यहाँ पर एक बार सेल्फी जरूर ले। और दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ पर देखो दोस्तों अपने बहुत ही खूबसूरत सा एक पौधा लगाया है, इस पौधे का मैं नाम भूल गया हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे जरूर जरूर बताइए। तीसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर जो पौधा लगाया दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में रात की रानी। अब आपकी भाषा में इस पौधे को क्या कहा जाता है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एक जो दोस्तों अपना सेल्फी पॉइंट है वो ये है, लग रहा हूँ ना बहुत ही खूबसूरत मैं, बहुत ही हैंडसम खूबसूरत तो क्या। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस टाउनशिप के अंदर जो प्लॉट साइज होने वाली है वो होने वाली है 25x40, 30x40, 25x45, 25x50 तक की। यहाँ पर बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर प्लॉट्स मिलने वाले हैं। स्क्वायर फीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 800 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल के साथ साथ कॉमर्शियल प्लॉट्स भी मिलने वाले हैं। दोस्तों आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ श्री दिगंबर जी का जो जैन मंदिर है वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये मेन 40 फीट की रोड है और जो एंट्री गेट है दोस्तों अपने टाउनशिप वो सामने की तरफ आपको दिख रहा है, वो मेन 60 फीट की जो कैनाल रोड है उस रोड के ऊपर अपना एंट्री गेट है। एंड जो श्री दिगंबर जी जैन मंदिर का जो मंदिर है वो अपन यहाँ पर बना रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप एक ऐसी खूबसूरत सी टाउनशिप में प्लॉट लेना चाहते हैं तो नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है अगर आज नहीं लिया तो कल बहुत बहुत पछताओगे दोस्तों, इसलिए आज ही लें और अभी लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आने वाले टाइम में इस टाउनशिप की नेक्स्ट लेवल रेट पड़ने वाली है। तो नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, उनके ऊपर जरूर जरूर मुझे कॉन्टेक्ट करना और मिलते रहेंगे आपसे यूं ही हर एक वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस टाउनशिप का एक छोटा सा टूर जो मैंने बना रखा है वो इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, उसको आप पूरा जरूर देखिएगा बस।